So I have collated a series of photos from ओके your social media. अरे वाह You have to tell me what were you thinking, okay? ओके इंटरेस्टिंग है ये यही सब रीजंस है जिसकी वजह से मेरे को लगता था मैं कपिल शर्मा शो में फाड़ दूंगा बिल्कुल. इस दिन बिपाशा बसु और करण वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए थे. कोई भूत भूत के अराउंड फिल्म थी. सो आई बिकेम दिस एंड आई डिड सम स्केच. मैं ऐसे करण की गोदी पे बैठ गया और बड़े सारी आई कैन टेक दिस लुक फॉर हैलोवीन. या तो आई पोस्टेड दिस सेइंग कि उसी सारे ने हैलोवीन दिया लख लख बधाई. ओके द नेक्स्ट पिक्चर या दिस. Oh my god, I love this picture personally. This is so good. Thank you so much. But this basically mere dimag mein hamesha chalta tha jo male gaze hai jis tarike se hum log auraton ko objectify karte hain. Hum log auraton ko sirf ek cheez ki tarah dekhte hain. I kyunki main meri teen behne hain aur unhi ke beech mein pala bada hu to wo ek cheez thi jo jiske bare mein main kuch kehna cha raha tha. Ye lockdown ke kareeb ki baat hai aur mujhe laga ki how should I say it. क्योंकि हम लोग औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, मर्द को नहीं देखते. अगर एक मर्द ऑब्जेक्ट की तरह शूट होना शुरू हो तो लोग क्या कहेंगे. और वही कमेंट्स थे कि गे, अरे क्या कर रहा है, लड़की है क्या. एंड दैट्स व्हाट वही कॉन्वर्सेशन मुझे शुरू करना था. ओके दिस वन. ओ दीज आर सो थ्री ऑफ दीज पिक्चर्स जो आप साइड में छोटे छोटे देख रहे हैं वो मैंने दो शोज किए, एक एंटरटेनमेंट की रात और एक कॉमेडी सर्कस. तो कॉमेडी सर्कस के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो मैंने वहां पर प्ले किए थे. लड़की बनने में बड़े मजे आते हैं मेरे को. उसके लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे. आई ऑल्सो रोट समथिंग अराउंड कि लड़की का गेटअप लेना बड़ा आसान है बट एक औरत बनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो जो स्ट्रगल्स हैं वो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते व्हाट दे गो थ्रू. बट मेरे को बड़े मजे आते हैं ऐसे कैरेक्टर्स. ओके दिस वन. Oh, this was aspirants one. तो ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, I'm a skinny guy, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है कई अंकल दिखते हैं ना जो पतले होते हैं लेकिन पेट निकला होता है. तो ये वो कैरेक्टर था. जब एस्पिरेंट्स वन शूट कर रहे थे तो 2.5 किलो का ही पेट था. ठीक है, तो उसके तो 2.5 किलो में मेरे को कैमरा में फील नहीं आती थी. आई यूज्ड टू से कि अप्पू को कि अप्पू यार ये ना साला पेट पेट दिख नहीं रहा है. इट से अच्छे क्या करे. तो हम लोग उसके अंदर मफलर या कुछ कपड़े फंसा देते थे तो थोड़ा वैसा था. इस बार थैंकफुली हमारा बजट अच्छा था तो 3-3.5 किलो का पेट लगाया गया. सो इट वाज अ वेरी हैवी परफॉर्मेंस, वजनदार परफॉर्मेंस. यू सेड अ वीडियो आल्सो ना, यू लुकिंग लाइक जस्ट लाइक अ वाओ. या या या. ओके दिस वन अगेन द पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिफिकेशन. या या सडनली व्हेन कई लोगों ने बोला है मैंगो आइसक्रीम कड़ी है कड़ी. दैट राइट. आया नहीं कड़ी नहीं है मैंगो आइसक्रीम है. सो वही यार, तुम देखो ना कितने जो भी सॉफ्ट ड्रिंक के या आइसक्रीम एड्स में ऐसे लड़की अपने ऊपर टपका रही. क्यों क्यों कोई लड़का ऐसे टपकाता है अपने ऊपर. नहीं ना. सो हम लोगों की सोसाइटी ने ही वो एक एक मेल गेज वो क्रिएट कर दिया. वो ऑब्जेक्टिफिकेशन हम ही लोगों ने क्रिएट किया. आई जस्ट वांटेड टू चैलेंज दैट. तो उसके लिए वो ओके. ऑन दैट नोट विल प्ले अ रैपिड फायर. ओके ओके सो लेट्स बिगिन. यस. व्हिच डायरेक्टर डू यू वांट टू वर्क विद नेक्स्ट. द लिस्ट इज लॉन्ग. ओके जस्ट वन डायरेक्टर. One director I want to work with, Anubhav Sinha. I really want to work with Anubhav sir. He is an amazing director. So, haan. Do you ever want to go to Coffee with Karan? अभी तो नहीं. अभी बुलाएंगे ही नहीं कोई. बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए. 100-200 करोड़ की फिल्में ऐसे इस लेवल पर नहीं बुलाया जाता है मेरे को लगता है उस शो पर. उसके लिए या तो काम अच्छा हो या नाम अच्छा हो. अभी दोनों नहीं है. Okay, who do you think is the most versatile actor and actress in the industry now, apart from you? Boman Irani is the most versatile actor. I love that guy. As an actress, I think Tapsee Pannu is doing amazing. Uske alawa mere dimag mein bahut naam aate nahi hai. From Mulk to Judwa to Thappad to Manmarziyan. Oh, what an amazing range as an actor. और जितनी स्पोर्ट्स की जो बायोपिक कर ली है मेरे को लगता है स्पोर्ट्स पर्सन अभी ओलंपिक में उसको ना भेज दें. व्हिच एक्ट्रेस डू यू वांट टू वर्क विद नेक्स्ट. कभी नहीं सोचा यार, कभी भी नहीं सोचा. आज मैं सोचो, हमेशा आज बता दो. मैं हमेशा डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि यार ये स्टोरी टेलर है. फिर एक्टर एक्ट्रेस कोई भी मिल जाए कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता. ओके, डू यू थिंक कंगना रनौत इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. नो, नॉट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बट शी इज अ वेरी डिसेंट एक्टर. Describe Anurag Kashyap as a director. He's so love.
5 years down the line, where do you see yourself as an actor? I have no idea. The last time it was asked to me was जब मैंने मेरे पास नौकरी नहीं थी रेडियो की और मेरे को एक कॉल सेंटर में सवाल पूछा गया था. मैं इंटरव्यू दे रहा था फोन पर, उसने बोला 5 years down the line, where do you see yourself? और मैंने कहा था कि I'll be the best radio jockey और मैं अपना शो होस्ट कराऊंगा और मेरे को नौकरी नहीं मिली थी. So I won't answer this question. I have no idea. I don't know 5 minutes बाद क्या होने वाला है. 5 साल बाद तो मैं उतने ख्वाब सपने नहीं देखे. मेरा जो सपना था कपिल शर्मा शो में जाने का, वो अभी कुछ वक्त पहले फाड़ू के प्रमोशन के लिए हम लोग गए थे. How was the experience? It was beautiful. तो I told Kapil भाई, I was like, मेरे को ये करना था. उन्होंने अपने डायरेक्टर को बुलाया, बोलते हैं यहाँ पर आप तो फनी आदमी हो पाजी, ये मेरा डायरेक्टर है, आपको जब आना हो शो पर तब आ जाओ. तो that's how it was. Yeah, it was amazing यार. From as an audience से स्टेज तक आने का वो सफर बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Thank and you. Congratulations on Aspirants 2. Thank you, SK. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा इस SK को इस SK से मिलकर. Thank you so much. Thank you.